अच्छा लगा है देखकर, सारे स्टार एक साथ हैं, अक्षय कुमार स्पेशली और ऑफ कोर्स फरदीन खान। दोस्तों पब्लिक रिव्यू ले जा रहा हूँ मैं फिल्म खेल खेल का, देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है फिल्म खेल खेल के बारे में और उनकी क्या ओपिनियन है, उसके बाद आप खुद समझ सकोगे कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। दोस्तों चलिए, बारे में कुछ शिक्षाएं दी है क्या, कैसी है? जिस तरह बता रहे हो मैरिज लाइफ सबकी ऐसी होनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री आनी चाहिए, मैरिज लाइफ जिस तरह रोमांटिक ही होनी चाहिए, लव मतलब प्यार मोहब्बत जबकि दोस्त सब फ्रेंड जैसे होना चाहिए। पाँच में से क्या स्कोर दे? पाँच, जैसा लाइफ चलता है एंजॉय करता चाहिए। कॉमेडी अच्छी फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी अच्छी फिल्म है, यस कॉमेडी भी थी, इंटरेस्ट भी थी, अच्छी थी पिक्चर, मूवी बहुत अच्छी लगी। और अक्षय कुमार से काम कैसे लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, सबको बोलेंगी आके देखने को इस फिल्म के लिए? यस यस, क्यों नहीं। किरदार किसका आपको पसंद है स्पेशली? देखिए किरदार तो सबका अच्छा था लेकिन अक्षय का थोड़ा ज्यादा। कुछ कॉमेडी सीन जो आपको काफी अच्छे लगे? हाँ, वो हंसने लगे। हाँ, वो लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा जो जंप मारते वहाँ पे थोड़ा अच्छा था, और जो लास्ट मोमेंट पे बच्चे तो शादी की जब होती है रिवेंज वो भी अच्छी थी। रियल लाइफ में फोन अदला बदली होगा तो आप एक्सेप्ट होगा? रियल लाइफ में ऐसा होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं। अच्छा होना चाहिए, मतलब हस्बैंड की, हस्बैंड वाइफ की मतलब जानकारी भी होनी चाहिए। क्या लगता है आज के रिश्तों को लेकर बहुत ही बारीकी से फिल्म में बताया है कैसे होने चाहिए? रेटिंग क्या है पांच में से आपकी फिल्म को लेकर? नहीं अच्छी थी, रेटिंग क्या है? रेटिंग पांच में से कितना स्टार देंगे? तीन, चार, दो? फाइव में फाइव देना चाहूंगी। मजा आया आपको? हां मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म को लेकर। बस अच्छे हैं, मूवी अच्छे हैं, अक्षय कुमार का एक्टिंग अच्छा है, लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के ये दिया है उसमें। मोबाइल बीवी चेक करेगी तो क्या करना चाहिए? बस सच होना चाहिए। जी जी, अक्षय परफॉर्मेंस कैसे लगा सर आपको? अच्छे लगे। तापसी, तापसी पन्नू भी अच्छी है और वो भी अच्छे हैं, वाणी कपूर भी अच्छे हैं, और फरदीन खान वो भी अच्छे हैं, गाने कुछ ठीक है, सब अच्छे। आपको मजा आया क्या? पैसा वसूल था? गया वसूल था। हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी झूठ नहीं होना चाहिए, ये दिखाया है पिक्चर में। आपकी वाइफ अगर आपका फोन एक्सचेंज करे तो कैसे देखेगा? सच होगा जो सच हो, सच हो। अच्छा अक्षय का किरदार कैसे लगा सर? मस्त है। डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन भी अच्छे हैं सब। पाँच जो आए मूवी के लिए आना चाहिए और सब लोग को देखना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ के बीच में झूठ नहीं होना चाहिए, वो दिखाया गया है पिक्चर में। कुछ सीन्स जो डायलॉग जो रोंटे खड़े कर दे, मतलब हंसे, हंसने का एकदम कॉमेडी, बस वही है, मैसेज आता है लोगों को दिखने के लिए यही। आपके बच्चे को पसंद आई फिल्म? बेबी आपको पसंद है? आपको पसंद है पिक्चर? मस्ती कर रही थी। अच्छा पिक्चर में पूरा मस्ती कर रही थी आप? कॉमेडी अच्छा लगा बेटा? कॉमेडी कॉमेडी अच्छा लगा। आपको मजा आया बेटा? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। खेल खेल में कैसी लगी पिक्चर? अच्छी थी, अक्षय कुमार की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। मैं देख रहा था थिएटर में, आप काफी हंस रहे थे। हाँ। मजा आया पिक्चर देखकर? कॉमेडी टाइम पास। हाँ। कौन सा सीन आपको काफी अच्छा लगा? जब अक्षय कुमार सबसे बच रहे थे, छुप के, जब सबसे छुप रहे थे तभी अच्छा लगा। अच्छा आपको पसंद आई ना बेटा पिक्चर? हाँ हाँ अच्छी। सबका सबसे अच्छा रोल किसका लगा? अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का। तापसी मैम और ये बाकी दूसरे अंकल, उन्होंने भी अच्छा किया, उन्होंने भी काफी अच्छे लगे। मतलब आपको पसंद है बेटा? हाँ। तो क्या लगता है बच्चों को भी पसंद आएगी, बाकी बच्चों को देखेंगे तो? अगर आप, हाँ अच्छी लग सकती है। जी जी, पूरी फैमिली के साथ आए, पापा मम्मी सब, सबको अच्छा लगा पिक्चर बेटा? अच्छा, और जो देखने के लिए जो लोग हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? लोर देखे, ये पिक्चर बहुत अच्छा है। रेटिंग क्या है बेटा पांच में से आपको फिल्म को? साढ़े चार। क्या खेल में? मुझे खेल खेल में ठीक लगी मूवी, और ठीक है लॉन्ग वीकेंड है, आप कह सकते हैं कि देखने के लिए आप आ सकते हैं इसको। जी मोबाइल फोन में बहुत सीक्रेट्स होते हैं तो क्या लगता है फिल्म में वही चीज़ें मिलती हैं? हाँ, बट वो बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है कि मतलब फ़ोन को लेकर ही इन्होंने पूरी एक मूवी बना दी है लाइक, बट अच्छा लगा है देखकर, सारे स्टार एक साथ हैं, अक्षय कुमार स्पेशली और ऑफ कोर्स फरदीन खान। फरदीन खान के बहुत टाइम बाद कम बैक है तो उसके लिए हम सब एक्साइटेड थे। नहीं, वी हैव टू वॉच दैट। अक्षय कुमार ये कॉमेडी में काफ़ी वक्त के बाद है। हाँ जी, हाँ वो तो, हाँ हाँ, और ऊपर से एमी भी है तो एमी ऑल्सो किंग, यू नो। यस, फरदीन खान सरप्राइज है, क्या लगता है? हाँ, फरदीन खान को देख कर ये लग रहा है कि फ्रेम में फिर से वो, एक इनकी पहले मूवी आई थी बिपाशा बसु के साथ, आपको दिस मूवी नेम कौन सा था? नहीं हाँ हाँ, वो ही वाला फील था। बहुत सारी स्टार कास्ट हो जाती है तो ऑब्वियस है मूवी में मजा तो आ ही जाता है। जी, तीनों एक्ट्रेस में मुझे सबसे ज्यादा तापसी का ही अच्छा लगा, और तापसी तो आपको पता ही है। यस, कॉमेडी क्या ऑनेस्ट है, अच्छा है सिचुएशन, कॉमेडी कैसा लगा? हाँ, ये फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकेंड हाफ थोड़ा सा खींचा हुआ है, बट लॉन्ग वीकेंड है, ठीक है, वन टाइम वॉच है मूवी। लास्टली डायरेक्शन कैसा लगा मुझे सर? नहीं अच्छा है, टाइट है।
ऑडियंस जो देखना चाहते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? मैं कहूँगी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, मतलब अच्छा है, मतलब हंसने के लिए आप कुछ चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव, तो यू कैन गो एंड वॉच 3.5। थैंक यू सो मच। बस खेल खेल में 15 अगस्त को देखने आए और खेल खेल में मजा ले लिए। मजा आया तुम देख के? मुझे तो मजा आया, थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है, थोड़ी अलग टाइप की मूवी है, जो ऐसी मूवी नहीं बनी है, तो थोड़ा मजा आया। आजकल की जनरेशन को क्या देखनी चाहिए ये फिल्म? देखना चाहिए बहुत कुछ। 100% देखना चाहिए कि मोबाइल जो आज से 25-30 साल पहले अपने जेब में नहीं था, तो लोग निर्भय होकर निडर होकर घूमते थे। मोबाइल आने के बाद हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, वो डर लगा रहता है। परफॉर्मेंस किसकी सबसे ज़्यादा आपको कमाल की लगी या सबकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार सबसे टॉप परफॉर्मेंस। ऐसा लगता है वो कॉमेडी में वापस आ चुकी है। हाँ हाँ हाँ, हेरा फेरी और उसमें जो हंसाए थे ना, उस तरह हंसा है, उसमें मजा आया हम लोग। अच्छा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को कंपेयर करें तो कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा? दोनों ही? नहीं, दोनों ही ठीक है। स्टोरी कंटिन्यूटी अच्छी है। गाने में देखिए, आजकल एक ट्रेंड हो गया पंजाबी में गाना देने का, तो सभी को वो गले नहीं उतरती है, लेकिन अब मेरे को पंजाबी पूरी आती है तो मज़ा आता है। बीच में 4-5 लाइन हिंदी का एक गाना था, वो एकदम दिल को टच करता है। इसमें देखिए चीटिंग का नहीं है, बताएं कि रिश्ते की अहमियत क्या है वो बताया है। एक जगह अक्षय कुमार अपनी बेटी के साथ फ़ोन में बात करता है, वो 1.5-2 मिनट का क्लिप है, लेकिन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हर बाप को सीखना चाहिए। और सबसे बेस्ट सीन क्या लगा आपको? बेस्ट सीन अच्छा ही है, सब अच्छा है कि मतलब देखिए शादी में अंगूठी पहनते हैं ना, मंगलसूत्र लगाते हैं ना, पूरा दुनिया को जमा करते हैं, वो तो सब चले जाते हैं और मंगलसूत्र और अंगूठी भी लॉकर में चली जाती है, लेकिन हमको और आपको सामने रहना है। रिश्ता को जो अहमियत बताया ना, वही बताया। आपका पैसा वसूल हुआ क्या? मेरा पैसा फुल वसूल हुआ, और मेरे हिसाब से इंटरटेनमेंट के हिसाब से मैं इसको 5 में से 3-3.5 स्टार दे सकता हूँ। पब्लिक जो पैसा डालना चाहे तो आके देखे क्या फिल्म? देखना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए, कैसी लगी फिल्म? मुझे तो अच्छी नहीं लगी पिक्चर। अच्छा, क्योंकि स्टोरी नहीं है इसमें, कुछ खास स्टोरी नहीं है, सब आर्टिस्ट भी वेस्टेड हो गए हैं, ऐसा चलेगी नहीं पिक्चर, ऐसा क्योंकि गाने भी नहीं है, बॉलीवुड तड़का भी नहीं है। एक्चुअली ये पिक्चर को एडल्ट रखना चाहिए था, एडल्ट बच्चे लोग के लिए कुछ कम की नहीं है, नहीं देखेगा तो भी चल जाएगा। आजकल के बच्चे फोन में काफ़ी छुपा के रखते हैं, मम्मी डैडी को हाथ दे जाते हैं, वो सब थोड़ा तरीका दिखाएगा। वो तो अभी सबको मालूम ही है, नया कुछ नए नहीं है। जनरेशन के हिसाब से? हाँ, नए जनरेशन के हिसाब से नहीं, बराबर है वो सीक्रेट बात। मोबाइल जो है, मोबाइल से सब मालूम पड़ जाता है सर, लेकिन वो मोबाइल का तो सबसे पहले से ही है, नहीं कुछ नया कुछ नहीं है इसमें। कॉमेडी कैसी फिल्म है? कॉमेडी है ही नहीं इसमें, कुछ खास नहीं है, ट्रेजेडी ज़्यादा है। जब सीक्रेट बार आ जाता है सबका। पैसा वसूल आपका? नहीं नहीं, पैसा वसूल नहीं है इसमें। टिकट का रेट भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, और मज़ा नहीं आया कुछ। पैसा वसूल? तापसी पन्नू काम कैसा? कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, इसका ये काम अच्छा नहीं। फरदीन खान भी काफ़ी साल बाद आ रहे हैं, सपोर्टिंग रोल में ठीक है सर। क्या लगता है गलती कहाँ हो गई? क्या लगता है फिल्म में गलती कहाँ हो गई? स्टोरी मेन तो, स्टोरी पिक्चर चलती है स्टोरी के ऊपर। जब स्टोरी कोई अट्रैक्टिव नहीं रहेगी तो पिक्चर कैसे चलेगी? पब्लिक जो पिक्चर देखना चाहती है उनको क्या मैसेज रहेगा? देखिए ना देखे? ना देखे तो भी चल जाएगा जी। रेटिंग क्या है 5 में से फिल्म को लेकर? 2-2। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई अपने फ़ोन बचा के रखो, अगर वाइफ है तो वाइफ से बचाओ, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से बचाओ। लाइक मैंने एक साउथ का कुंभो करके कुछ देखा था, मुझे घूम फिर के वही याद आ गया था। लाइक ये फिल्म परफेक्ट एंजल का एक रीमेक कहा जा रहा है, कि फिर भी क्या लगता है बहुत नया? भाई जेड जनरेशन जो बोले ना, जेड जनरेशन, हम लोग तो 90s वाले हैं, ठीक है, जो जेड जनरेशन वाले उनके हिसाब से जैसे फ़ोन अदला बदली कर रहे हैं, आप पासवर्ड लॉक। अक्षय कुमार की वाइफ ने कहा था मेरा बेटा 19 साल का हो गया, वो मुझे अपना पासवर्ड नहीं देता, अब वो 4 साल का बच्चा नहीं है। सो आप समझ सकते हैं पिक्चर का वही से क्या सीन है। कॉमेडी टाइमिंग कैसे लगा? लोग कह रहे कि हेरा भाई हेरा फेरी ये तो भूल जाओ, अक्षय कुमार को, अगर आप अक्षय कुमार का फैन है भाई, आपने ये पिक्चर नहीं देखा तो आप बहुत बड़े बेवकूफगिरी कर रहे हो, मिस कर रहे हो पैसे, आप अक्षय कुमार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो उनके फैंस क्लब है कहाँ गायब हो गए? भाई हम तो अक्षय कुमार का फैन है, हम मूवी लवर्स है, तभी हम लोग आगे मूवी देखते हैं। आई एम ओनली अक्षय कुमार फैंस, मतलब मीन्स मूवी लवर, सो आई कम एंड वॉच इट। काफ़ी अच्छा रोल है इसमें, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स है, कॉमेडी पैकेज जो लास्ट का एंडिंग का जो इतना यार, मैं तोड़ूंगा नहीं, सरप्राइज तोड़ूंगा नहीं। मज़ा आया फरदीन खान का रोल है, बताइएगा नहीं लेकिन कैसा लगा? हाँ, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि लाइक स्पॉइलर बन के
बहुत बार गालियाँ खा चुका हूँ। तो लाइक भाई फरदीन खान के जो उनका भी कम बैक देखने मिल रहा है, आप आइए। मैं सलमान खान, बिपाशा बासु और ये जो था ना वो मूवी का नाम मुझे याद ही, घूम फिर के वैसी लग रही है मुझे। फुल ऑन कॉमेडी। इफ यू आर आई एम टेलिंग इफ यू आर द फैन ऑफ कॉमेडियन और आपको आज के बच्चे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे फोन में क्या क्या सीक्रेट्स रहते हैं, क्या क्या जानना रहता है, किस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग की हंसी मजाक किस तरीके से ऑन द टेबल क्या चल रहा है, यू विल लाइक रोंटे खड़े हो जाएंगे भाई। आप हंसोगे, फुल ऑन कॉमेडी हो। काफ़ी इमोशनल थोड़ा कर दिया गया रिलेशनशिप को लेकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ बेटी, बाप बेटी, सब चीज़ों क्या लगता है मैसेज दिया भाई? मैसेज मूवी का मैसेज वही है, आपको झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाना नहीं है। द ऑनेस्टी इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस मूवी। अगर आप सच हो तो आपको किस बात की डर है, घंटा कोई उखाड़ सकता है अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो। पैसा वसूल 200-250 रुपया पैसा भाई। आके देखो, अक्षय कुमार के फैन जहाँ भी गायब हो गए, कहीं बंगाल कहीं भी गायब हो गए भाई, आके देखो अक्षय, दिस फॉर यू, आप बैक हो बैक। फुल ऑन फाइव भाई, फुल ऑन फाइव।